लाइट और मोबाइल के 20 से भी ज्यादा ऐसे प्रीसेट जो आपकी नॉर्मल फोटो को कुछ इस तरह से एडिट करके दे देगी, वो भी जस्ट वन टैप पे। तो हाँ यार, बिल्कुल आपने सही देखा, आप भी अपने कोई से भी नॉर्मल फोटो को जस्ट वन टैप करते ही एडिटिंग कर सकते हो हमारे आज की न्यू टॉप 20 प्लस प्रोफाइल प्रीसेट की हेल्प से। ये प्रीसेट आपको इजिली मिल जाएंगे, बट इस प्रीसेट की जिप फाइल आपको ओपन करने के लिए जो कोड लगेगा, मतलब की जिप फाइल को अनजिप करने के लिए, तो 6 नंबर डिजिट कोड आपको इस वीडियो पे शो होंगे, दो दो एड करके। तो अगर आप भी इन प्रीसेट को ऐड करना चाहते हो लाइट रूम के अंदर, तो आज के समथिंग वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहना। जो प्रीसेट की जिप फाइल है वो आपको अपने फोन में डाल लोगे, तो आपके फाइल मैनेजर के अंदर ये वाली फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा होगा टॉप 20 लाइट रूम फिल्टर्स, जस्ट आपको टैप करके स्टार्ट को प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको कोड डालना होगा, तो यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ, बट वो अभी ब्लर है। कोड को मैंने दो मिनट करके इस वीडियो के अंदर दिखा दिया है। तो अगर आप कोड जानना चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखो। अभी तक आपको फर्स्ट कोड मिल गए होंगे, सेकंड एंड थर्ड कोड भी मिल जाएगी, एंड तीनों कोड को आपको एक साथ डाल देना है, ठीक है। सो कि अनजिप स्टार्ट करने के बाद सिंपली आपको अपना लाइट रूम मोबाइल को ओपन करना है। देन आपको यहाँ पे ऐड फोटो को प्रेस करके आपको सबसे पहले आपको कोई सा भी फोटो को ऐड कर लेना, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो, जैसे कि ये वाली फोटो है। इसी वाली फोटो पे आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो एक्सएमपी प्रीसेट को यूज करने के लिए हम हमेशा प्रीसेट ऑप्शन पे जाकर प्रीसेट ऐड करने हैं, बट आज के जो प्रोफाइल फिल्टर्स है उसके लिए आपको सिंपली एडिट ऑप्शन को प्रेस करके लास्ट में आपको प्रोफाइल्स करके ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको टाइप करना है। यहाँ फेवरेट को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे फेवरेट के नीचे बेसिक वगैरह लिखा है, बट यहाँ पे कहीं भी टॉप 20 फिल्टर नहीं लिखा है, तो उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने इस आइकन को प्रेस करके इंपोर्ट प्रोफाइल को प्रेस करना है। सिंपली आपको यहाँ पे उसी फोल्डर पे ओपन करना है, एंड जहाँ पे जिप फाइल को हमने अनजिप करा था, एंड अनजिप वाली फोल्डर को ओपन करना है, मतलब जो फोल्डर क्रिएट हुई है जिप फाइल के ऊपर में। और यहाँ पे सारे जो प्रोफाइल्स हैं उसे आपको एक बार नहीं बल्कि सारे फाइल्स को सेलेक्ट करके सेलेक्ट बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे सारे फिल्टर यहाँ पे एक बार में इम्पोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, और यहाँ देख सकते हो फिल्टर 1 फिल्टर 2 लिखा है, तो जस्ट मैं यहाँ टैप करूंगा एंड ये एडिट हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कलर टोन पे फिल्टर देखने को मिल रहे हैं विद प्रीव्यू। तो जो आपको फिल्टर सही लगती है आप जस्ट टैप करो एंड आपके फोटो उस तरह एडिट होके आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोडी डार्क, मोडी ब्राउन एंड बहुत सारे भी अमेजिंग प्रीसेट है, एंड इसमें 20 से भी ज्यादा फिल्टर देखने को मिलेंगे, एंड आप किसी भी फोटो पे इजिली आप किसी भी फोटो पे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो ये वाली फोटो को ट्राई करके दिखा रहा हूँ, सेम आपको वहाँ प्रोफाइल्स पे जाना होगा एंड फेवरेट को प्रेस करके फिल्टर को प्रेस करना होगा, दीपक कृष्ण फिल्टर को प्रेस करना होगा, एंड इसमें से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो इस फोटो भी देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिल्टर वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने कोई से भी नॉर्मल फोटो पे इजिली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो ऐसा एक फोटो ऐड करना जिसका बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर जरूर हो, मतलब पेड़ पौधे जरूर हो, एंड प्रीसेट अप्लाई करने से पहले अपना स्किन स्मूथ कर लो, देन आपकी फोटो और अच्छे एडिट हो जाएगी। या फिर आप फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी स्किन स्मूथ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने 2-3 फोटो पे ट्राई करके देख लिए, सारे फोटोज पे अच्छे से ये प्रीसेट वर्क कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल प्रीसेट बहुत ही यूजफुल है, जस्ट वन टैप में एडिटिंग करके दे देती है, और बाकी फिल्टर की तरह आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट एक बार इम्पोर्ट कर दो एंड 20 से भी ज्यादा यहाँ पे फिल्टर एड हो जाएंगे, एंड आप प्रीव्यू के साथ अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। मतलब आपको जो फिल्टर सही लग रहा है, ब्राउन टोन चाहिए, मूडी डार्क टोन चाहिए, तो आप उसे टैप करके आप अपने फोटो को इजीली एडिटिंग कर सकते हो। आज की टॉप 20 प्लस प्रोफाइल फिल्टर कैसे लगे जिससे आपकी फोटो वन टैप में एडिट हो जाती है, तो इस तरह की प्रोफाइल प्रीसेट कैसे लगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे प्रोफाइल चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप कॉपी पेस्ट वाली न्यू DNG प्रीसेट चाहते हो वो भी बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।